जैसे हमने टिहरी को बसाया, जब टिहरी डैम बना तो हमने दुकान किराएदारों को भी मुआवजा दिया, हमने जो मूल्य था भवन का वो दिया। दुर्भाग्य से आपदा प्रबंधन ने किया कि अगर मकान पूरी क्षतिग्रस्त हो गया तो 4 लाख रुपए मिलेगा, आपका डेथ पे 4 लाख रुपए मिलेगा, मकान क्षतिग्रस्त हो गया तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मिलेगा आपदा प्रबंधन नियमों के तहत। तो आज एक तो समग्र उत्तराखंड को लेकर विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड के लिए एक आपदा प्रबंधन नीति बननी चाहिए, समय समय पे हर क्षेत्र का भू सर्वेक्षण होना चाहिए कि कोई धसाव, कोई कंपन, कोई इस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। और विशेष करके कोई डैम बने, कोई बड़ी परियोजना बने, NH बने, उस समय केवल खानापूर्ति के लिए जो है खानापूर्ति के लिए कि NH बन रहा है तो हमने सुरंग बना दी। हम देखें कि प्रॉपर अगर हम सुरंग बना रहे हैं तो ऐसी मशीनों का यूज करें जिससे कि पूरी जमीन न हिले, और टेक्निकली इस तरह का प्रयोग करें जिस तरह कि भाई जापान में भी तो भूकंप आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, न्यूजीलैंड में आता है, स्विट्जरलैंड में बहुत आता है, लेकिन उन कंट्रीज ने भी अपनी आपदा प्रबंधन नीति, डिजास्टर नीति बनाई हुई है। तो हम देखिए होगा क्या, मैं मुझे केदारनाथ का भी उत्तरकाशी का भी अनुभव, जब 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, 703 लोग मरे थे, मैं प्रभारी मंत्री था उत्तर प्रदेश की तरफ से, 3 महीने मैं उत्तरकाशी टिहरी में रहा था, तो फौरी तौर पर राहत दे दी गई, लेकिन उसके बाद किसने सुध ली है उत्तरकाशी के लोगों की? ऐसे केदारनाथ में हुआ, तो यही जो सिमट के साथ होने वाला है। अब गुप्तकाश से नीचे कुंड है जहाँ पे, जहाँ वो पेट्रोल पंप है, पूरे धसाव आ गया था पूरा, कि भाई इतने लोग शिफ्ट होने, पूरा राम वो भाई कौन कौन से गांव शिफ्ट होने, कौन कौन से परिवार शिफ्ट होने, पूरी लिस्ट बनी थी, आज तक कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो यही बात आज जो सिमट में होनी, होगा क्या कि अभी तो फौरी तौर पर उनको कहीं राहत शिविरों में आपने पहुँचा दिया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत आप मुआवजा दे दोगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप समय रहते आप भी सरकार भूल जाएगी, धीरे धीरे लोग फिर वहां वापस चले जाएंगे। और इसलिए एक उत्तराखंड के लिए एक ऐसी नीति बननी चाहिए जो, और मैं तो कह रहा हूं कि वहां अगर किसी का 2 करोड़ का भवन था तो उसको 2 करोड़ का मुआवजा दो, आकलन करो उसको, तो उस संपत्ति का आकलन करके और उसको दे दो। तो मैं सोचता हूँ कि और इस तरह सारे पहाड़ों पर जहाँ भी मैं तो खुद भी मंसूरी के लिए बहुत मैं अभी देख रहा था, तो ठीक है ईश्वर करे कि उखीमठ में भी, तो कभी जब से उखीमठ बसा होगा कभी नहीं सुना होगा आपने कि अचानक ऐसे दरारें पड़ी, अचानक ऐसा धसा हुआ। तो मैं तो अभी बल्कि नीचे जब देहरादून से आ रहा था तो मैं मंसूरी को लेकर भी बड़ा चिंतित था कि भाई यहाँ भी जिस तरह निर्माण हो रहा है, हालांकि लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई कई भगवान करे, ईश्वर करे कभी कोई आपदा ना आए। लेकिन देखिए आपदा का एक लिए कहते हैं ना, आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहाँ आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, आपदाओं को ख़त्म नहीं कर सकते, भूकंप को हम नहीं रोक सकते, बारिश को हम नहीं रोक सकते, लैंडस्लाइड को हम नहीं रोक सकते, गर्मी को हम नहीं रोक सकते, तूफान को हम नहीं रोक सकते। तो मैं तो अभी बल्कि नीचे जब देहरादून से आ रहा था तो मैं मंसूरी को लेकर भी बड़ा चिंतित था कि भाई यहाँ भी जिस तरह निर्माण हो रहा है, हालांकि लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाई कई भगवान करे, ईश्वर करे कभी कोई आपदा ना आए। लेकिन देखिए आपदा का एक लिए कहते हैं ना, आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहाँ आ जाए, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, आपदाओं को ख़त्म नहीं कर सकते, भूकंप को हम नहीं रोक सकते, बारिश को हम नहीं रोक सकते, लैंडस्लाइड को हम नहीं रोक सकते, गर्मी को हम नहीं रोक सकते, तूफान को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उससे नुकसान को कम हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा सचेत होकर
करें। तो मैं जो अब तक मुझे लग रहा है कि जोशीमठ में सरकार माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए तत्काल माननीय प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद वहाँ आना चाहिए था इस समय, और प्रधानमंत्री को इस पे एक बैठक बुलानी चाहिए थी जोशीमठ को लेकर, क्योंकि छोटी बात नहीं है कि आज एक पूरा हमारा धार्मिक स्थल भी आदि गुरु शंकराचार्य का, नरसिंह भगवान का, शिव भगवान का जन्म स्थल, और वहाँ बद्रीनाथ का और हेमकुंड साहिब का, फूलों घाटी का द्वार आज बिल्कुल टूटने के कगार पर है, समाप्ति की ओर है। तो एक इतना बड़ा धार्मिक स्थल आज अगर समाप्ति की ओर है, तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए, विशेषकर हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। सर, प्रदेश में अगर भर्ती घोटालों की बात की जाए तो लगातार हो ही रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, इतने उदास हैं लोग उत्तराखंड में, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का, मैं भी एक आज एक लड़की का मुझको फोन आया, मेरे विधानसभा कोटद्वार की थी, तो मैंने कहा बेटा तू क्या तैयारी कर रही है, तूने पटवारी का दिया था? कहा हाँ सर पटवारी का दिया था। तो मैंने कहा कुछ तैयारी कर रही है कि नहीं? सर अब तो भरोसा ही नहीं है, हम सब बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि हम तैयारी करें, कोचिंग लें, पैसा बर्बाद करें, किसी का सेंटर श्रीनगर पढ़ रहा है, किसी का देहरादून वाले कोटद्वार पढ़ रहा है, कोटद्वार वाले का देहरादून पढ़ रहा है। हम लोग जो पटवारी की भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, जो पुलिस की भर्ती के लिए जो अप्लाई कर रहा है, कोई बहुत संपन्न घर का तो व्यक्ति होगा नहीं। हमारे तो 5-10 हज़ार रुपये जो आने जाने में खर्च हो रहा है, और लीक हो गया 3 दिन बाद 4 दिन बाद पेपर निरस्त हो जाता है। तो अब हमको उत्तराखंड में भरोसा ही नहीं रहा है कि ये, मतलब एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए। और मैं आज, आप एक चीज सुनो, रेल दुर्घटना होती थी, रेल मंत्री जी जब शास्त्री जी थे रेल मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ऐसी कई घटनाएं हिंदुस्तान के इतिहास में कि जब कोई दुर्घटना हुई और उस विभाग के मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। आज आज आप एक व्यक्ति को जेल भेज दे रहे हो, लेकिन आप इतनी मोटी तनख्वाह जिस व्यक्ति को सुख सुविधाएं दे रहे थे, जो चेयरमैन है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो कि वो क्या देख रहा था कि उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? प्रदेश सरकार क्या देख रही थी उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था? इसके लिए जितना दोषी वो व्यक्ति है जिसने पेपर लीक किया, जिन्होंने गलत तरीके से जो है लोगों को नौकरी लगाने का सौदा किया, जितने दोषी हुए हैं उससे बड़े, उससे ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिनको राज्य, फिर तो पुलिस और फिर जजों की नियुक्ति क्यों करेगा? फिर तो सब, अगर ये होगा कि भाई अपनी जिम्मेदारी सब भाग जाएंगे, भाई तुम्हारे नाक के नीचे इतनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, तुम्हारे नाक के नीचे, तो तुमको चेयरमैन बनाना, तुमको मुख्यमंत्री बनाना, तुमको सरकार बनाने का क्या औचित्य है जब तुम, इस मतलब तुम्हारा नियंत्रण खत्म हो गया? मतलब ये कैसा दुर्भाग्य है, आज लोगों का आस्था खत्म हो गई है उत्तराखंड में। आप मुझको बता दो, मुझे कोई बताते कि कब से नियुक्तियां नहीं हुई हैं? भाई हर बार आ रहा है कि इतने हजार नियुक्तियां, विज्ञप्ति निकलेगी। आप मुझे बता दो कहां नियुक्तियां हो रही हैं उत्तराखंड में? अब उसके बाद वो उम्र भी ओवरेज हो जाएगी, ठीक है तुम दोबारा एग्जाम करा दोगे, लेकिन जो उनका आने जाने का खर्च हुआ है, एग्जाम देने का खर्च हुआ है गरीब बच्चे का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और एक बार जब बच्चा एग्जाम देता है तैयारी के साथ देता है, और जब उस निरस्त हो जाता है, इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बच्चा इस समय बहुत अच्छा पेपर दिया होगा, जिसका सिलेक्शन इस समय हो सकता था, ये जरूरी उस बच्चे का कल दोबारा सिलेक्शन हो जाए, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। बहस सोचता हूँ कितना मजाक हो रहा है उत्तराखंड में। कम से कम आप एक जो संवैधानिक व्यवस्था है, संघ लोक सेवा, लोक सेवायक पे लोगों का भरोसा होता था, हम कहते थे ये पीस है, सब सर है, साहब कमीशन से है, आदमी मन में रिस्पेक्ट होती थी समाज के कि भाई ये SDM है। सर, ये जो राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है,
कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको लगता है किसको पार्टी संगठन पे पड़ने वाला है या मतदाताओं पे पड़ने वाला है? देखिए, मैं जिस तरह सोशल मीडिया पर और जिस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है इस यात्रा में, क्योंकि मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, टीचर रहा हूँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में, हिंदुस्तान में चाहे अंग्रेजों के समय में हूँ या कोई सामाजिक राजनीतिक, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी पैदल यात्रा शायद ही देश में ये पहली हुई है कि जो 3,500 किलोमीटर से लंबी पैदल यात्रा हुई है। आडवाणी जी ने 1990 में राम जन्मभूमि को लेकर की थी, लेकिन वो रथ यात्रा थी, वो पैदल यात्रा नहीं। महात्मा गांधी जी ने की थी, वो भी इतनी लंबी यात्रा नहीं थी। तो राहुल गांधी जी की इस यात्रा ने, और जो राहुल गांधी जी अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पहले हमको भी ऐसे लगता था कि शायद तमिलनाडु कर्नाटक में केरल में जन समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। जब महाराष्ट्र मिल गया तो हमें लगता था कि मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश मिल गया तो हमें लगता था राजस्थान में नहीं मिलेगा कि वहाँ गुटबाजी है, हरियाणा में नहीं मिलेगा, वहाँ भाजपा सरकार है। फिर लगता था दिल्ली में नहीं मिलेगा तो वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, राम पार्टी भाजपा है, कांग्रेस पर तीसरे नंबर पर, वहाँ नहीं मिलेगा। यूपी में नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी में बिल्कुल कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है उसे देखिए, एक चीज़ जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाता है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद एक कमजोर जैसा हो गया था, वो मनोबल आज जो है पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है। इतना कमजोर हो गया था कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेसी कार्यकर्ता कहने में भी थोड़ा सा जो है उसको हिचक लग रही थी कि यार लोग हर एक उस पार्टी में हो यार तुम, जिसका कुछ जो खत्म की लिस्ट में। तो आज वो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने फख्र से आज कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ साहब, मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक मनोबल उसका बढ़ा है। और किसी सेना के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, मैं मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूँ कि किसी कोई सेना कोई राजनीतिक दल तभी युद्ध जीतता है, चुनाव जीतता है, जब उसकी सेना का, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। तो ये रथ यात्रा ने कुछ किया हो ना किया हो, इतना कमजोर हो गया था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता कहने में भी थोड़ा सा जो है उसको हिचक लग रही थी कि यार लोग हर एक उस पार्टी में हो यार तुम, जिसका कुछ जो खत्म की लिस्ट में। तो आज वो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने फख्र से आज कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ साहब, मैं कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज एक मनोबल उसका बढ़ा है। और किसी सेना के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, मैं मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी के रूप में कह रहा हूँ कि किसी कोई सेना कोई राजनीतिक दल तभी युद्ध जीतता है, चुनाव जीतता है, जब उसकी सेना का, उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। तो ये रथ यात्रा ने कुछ किया हो ना किया हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर दिया है। और यही मैं सोचता हूं एक राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी खुराक है, सजीवनी है। और इससे निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस का 2024 में आने वाला 24, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ईश्वर करे कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बने। और अगर किसी वजह से कांग्रेस की अकेले सरकार नहीं बनी तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार देश में जरूर बनेगी, ऐसा माहौल है। देखिए, अगर आप पूरे देश का स्थिति देखेंगे तो साउथ इंडिया से लेकर और महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, और जहां थोड़ा सा गुटबाजी को आप जिस तरह लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग कहते हैं कि राजस्थान में गुटबाजी है, लेकिन वहां क्या करेगी बीजेपी प्रदर्शन 25 में 24 पहले से ही है। तो जहां बीजेपी के प्रदर्शन करने की संभावना ज्यादा है वहां बीजेपी पहले से इतनी सीटें अधिक हैं बीजेपी पास कि वहां तो घटनी घटनी है, और महाराष्ट्र और बिहार घटनी घटनी है। तो मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश भी घटनी घटनी है। तो भाजपा मैं सोचता हूं 200 से कम सीटें जो मैंने आकलन किया है पूरे देश की राजनीति का, मुझे लगता है कि भाजपा को 100 से अधिक सीटों का नुकसान होगा, कांग्रेस को 100 से अधिक सीटों का फायदा होगा। कांग्रेस 150 से ऊपर जा सकती है, 150 और 250 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, भाजपा की 200 के आसपास सीटें आएंगी।
जो कोई अनोनी घटना न हो। मैं फिर आज आपको कह रहा हूँ, पिछले कल आपको बताओ जी आप आंकलन राजनीतिक आंकलन जो है बहुत कमजोर आंकलन निकला, जबकि मैं अपने आप को सोचता हूँ मेरा आंकलन हमेशा सटीक निकलता है। अगर कोई अनोनी घटना, अनोनी का मतलब जिस तरह 19 में पुलवामा नहीं होता तो 100 सीट उस समय भी भाजपा को कम आती, पुलवामा के कारण वो चुनाव भारत पाकिस्तान का चुनाव जैसा माहौल बना दिया भाजपा ने, लेकिन हर समय नहीं हो सकता ऐसा। ठीक।